हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज पूरन पोई बनवाईची आहे। जी हाँ, आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की फेमस डिश पूरन पोई, जो होली, गणेश चतुर्थी और अदर फेस्टिवल्स के टाइम बनती है। सबसे पहले स्टफिंग बनाएंगे। ये इंग्रेडिएंट्स हम यूज करने वाले हैं पूरन बनाने में। पहले चना दाल को धो लीजिए एंड उसे कुकर में बॉईल करने के लिए चढ़ा दीजिए। पानी आपको इसमें कम ही डालना है। अब इसमें चुटकी भर नमक ऐड कर लीजिए। ये एक स्वीट डिश है तो नमक आपको जरा सा यूज करना है। लगभग 3 सीटियों के बाद आप कुकर ओपन कर लें। चना बॉईल हो गया है, अब हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा होने पर कुछ इस तरह हमें छन्नी पे चम्मच की मदद से चने को सीव करना है। जब हम इस तरह से सीव करेंगे तो चना ऐसे बारीक छनेगा। ये हम कर रहे हैं क्योंकि हमें एक सॉफ्ट स्टफिंग बनाना है जिसमें कोई लम्स नहीं रहे। ये करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे हमारा पूरन कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है। अब हम इसे कढ़ाई पे सेक लेंगे। कढ़ाई में पहले थोड़ा घी डालिए। फिर उसमें इलायची और गुड़ ऐड कर लिए। मेल्ट होने तक हम इसे स्टर करेंगे। मेल्ट होने के बाद इसमें थोड़ी चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से स्टर कर लेंगे। फिर इसमें मैश्ड किया हुआ चना ऐड करेंगे। इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। हमें इसे स्टर करते रहना है ताकि ये नीचे से कढ़ाई पे ना चिपके और ना ही जले। अच्छी तरह से सिकने पे इसे हम एक कंटेनर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम आटा गूंद लेंगे। हम एक कटोरी गेहूं का आटा ले रहे हैं और उसमें आधा कटोरी मैदा ऐड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। लास्टली 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे अच्छे से गूंद लेते हैं। सॉफ्ट ही रखना है। अब पूरन हमारा ठंडा हो गया है। लेट्स मेक पोई नाउ। आटा का मीडियम सा बॉल लेकर हमें थोड़ा रोल करना है। इसमें आप पूरन को लड्डू की तरह करके बीच में रख देना है और कुछ इस तरह से सील करना है। एक्स्ट्रा पोर्शन हो तो उसे निकाल सकते हैं। अब इसे हाथों से जितना हो सके फ्लैट करें, फिर चपाती के आकार में रोल कर दें।
घी लगाकर इसे सेके। पहली पोई हमने इंडक्शन पर बनाई है, अदरवाइज ये काफी अच्छी फूलती है। ये देखिए, बाद में हमने इसे गैस स्टोव पर बनाया है और ये कितने अच्छे से फूल गई। आपको जिसकी आदत हो उस पे कर सकते हैं। घी अच्छे से लगाने पर इसका बढ़िया स्वाद आता है। सो आप गर्मा गर्म पूरन पोई इज रेडी। इसे आप घी के साथ सर्व कर सकते हैं या इस पे अच्छे से घी लगाकर ठंडे दूध के साथ खा सकते हैं। इफ यू लव्ड द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।